बाय म्हणून दे ना। बाय बाय म्हण। बाय बाय बाय। हे गाइस, वेरी वेरी गुड मॉर्निंग एंड वेलकम टू माय चैनल इंडियन मॉम कंचन। सो गाइस, यहाँ पर मैं बना रही हूँ चना मसाला। चने कल रात को ही भिगो के रख दिए थे इन्होंने, आपको जैसे पता ही है, मैंने कल के ब्लॉग में आपको दिखाया था, तो वही चने मैं आज बना रही हूँ। तो उसे ना पहले बॉईल कर लेना होता है। पहले उसमें मैं पानी ऐड करूँगी थोड़ा सा, और उसमें मैं ऐड करूँगी नमक थोड़ा सा बस, और उसको विजल आने दूंगी, मतलब 7-8 विजल आने देना है इसको आपको, और अच्छे से गल जाइए तब जाके इससे आपको ये करना है, मतलब मसाला बनाना है इसका। उधर मेरी सीटियाँ हो रही थी तो इधर मैंने मसाले बनाने की भी तैयारी कर ली। तो उसमें हमें थोड़ा सा तेल ऐड करना है कढ़ाई में, और उसमें आपको ऐड करना है तेज़पत्ता, और तेज़पत्ता थोड़ा सा हो जाए उसके बाद ऐड करना है अदरक लहसुन का पेस्ट। और अदरक लहसुन का भी पेस्ट हमें मतलब अच्छे से चला लेना है, अच्छे से भून लेना है उसे भी। और उसके बाद हमें उसमें ऐड करना है प्याज का पेस्ट, अदरक का पेस्ट जो है वो अच्छे से भून जाने के बाद, मतलब उसकी कच्ची स्मेल चली जाने के बाद हमें उसमें प्याज का पेस्ट ऐड करना है। और प्याज को भी अच्छे से गोल्डन ब्राउन होने तक भून लेना है, प्याज के पेस्ट को आपको अच्छे से भूनना है। भूनने पर ही सारा कुछ डिपेंड होता है, मतलब जो भी आप मसाला भूनते हो उस पर ही डिपेंड होता है कि आपकी सब्जी कैसी बनेगी। मतलब अगर आप जो मसाला है वो कच्चा रखते हो तो आपकी सब्जी भी टेस्टी नहीं बनेगी, कच्चा कच्ची सी स्मेल आएगी उसकी और सब्जी में टेस्ट नहीं आएगा। और जो तेल छूटने लगेगा ना मसाला, तब समझ जाना कि मसाला भून चुका है। तो यहाँ पर मसाला अच्छे से मेरा भून चुका था, मतलब जो प्याज है वो अच्छे से भून चुका था। उसके बाद मैं यहाँ ऐड कर रही हूँ 2 टोमेटो की प्यूरी, क्योंकि जो हमारा चना है थोड़ा सा ज़्यादा है, क्योंकि मुझे ना मतलब दोनों टाइम के लिए बनाना था एक्चुअली, चना जो है दोनों टाइम के लिए बनाना था, इसी वजह से मैंने अभी बना लिया। और रात को थोड़ा सा वो होता है कि टेंशन हो जाता है कि कौन सी सब्ज़ी बनाओ, तो मैंने सोचा चलो इन्होंने ज़्यादा भिगोने के लिए डाल ही दिया है, तो मैंने थोड़ा सा अपने लिए सिर्फ स्प्राउट्स के लिए रख दिया था, बट बाकी का जो है वो मैंने अच्छे से उसको मतलब उसकी सब्ज़ी बना ली थी, ये जो चना मसाला है वो बना लिया था। और मैंने उसमें ऐड किया है एवरेस्ट का चना मसाला, छोला मसाला, तो वो हमें बड़े 2 चम्मच ऐड करना है। और उसके बाद हमें ऐड करना है हल्दी, नमक, मिर्च, मतलब क्या बोलते हैं, मिर्च और धनिया पाउडर, ये सब ऐड करना है और फिर अच्छे से चला लेना है। और उसके बाद ना हमें उसमें आमचूर पाउडर भी ऐड करना है, आमचूर पाउडर मस्ट है, आमचूर पाउडर से ना बहुत ज़्यादा अच्छा टेस्ट आता है चने का, तो आमचूर पाउडर ज़रूर ऐड करिएगा। और आमचूर पाउडर ऐड करने के बाद अच्छे से चला लेना है आपको मसाले को, ताकि ये अपना तेल छोड़ने लगे। और यहाँ पर चना जो है वो बॉईल हो चुका था, तो अच्छे से बॉईल होने देना है चने को, ताकि ये गल जाए थोड़ा सा, नहीं तो कच्चा कच्चा रहने लगेगा तो अच्छा टेस्ट नहीं आएगी सब्ज़ी की। तो अच्छे से गलना चाहिए चना। उसके बाद हमें उसमें ऐड करना है नमक, नमक तो थोड़ा सा ध्यान से ऐड करना है, क्योंकि हमने चने में भी नमक ऐड किया था थोड़ा सा, वो खट्टा हमने उसमें आमचूर पाउडर भी डाली है और उसमें हमने टोमेटो भी डाला है, तो थोड़ा सा नमक जो है वो ध्यान से ऐड करना है, नहीं तो ज़्यादा नमक हो जाएगा और आप खा भी नहीं पाओगे। उसके बाद अभी यहाँ पर मैंने पानी भी ऐड कर दिया, जितना आपको ग्रेवी चाहिए उतने पानी ऐड कर देना है आपको। उसके बाद इसको बॉईल होने देना है, अच्छे से ढक के रख देना है, और हमारा चना मसाला जो है वो रेडी है। चना मसाला बना लिया है मैंने। और हाँ, रोटियाँ तो पहले बनाई थी मैंने, आज पूरी नहीं बनाई है इसके साथ, मतलब पूरी वगैरह नहीं खाएंगे हम लोग इसके साथ, है चना और रोटी बना, मतलब रोटी बनाई थी, रोटी ही खाएंगे। और हाँ, किसी ने मुझे पूछा था कि वो जो मैंने उस दिन बताया नहीं था आपको, मम्मी आई थी उस दिन, मैंने कंटेनर में दाल चावल लगाए थे, तो किसी ने मुझे पूछा था कि कंटेनर दिखाओ और कुकर दिखाओ, तो उसमें मैंने नहीं दिखाया था, थोड़ा सा नाराज़ हो गए थे वो, तो सॉरी डियर उसके लिए। तो ये है वो कुकर, और ये हॉकिंस का है शायद, हाँ नहीं प्रेस्टीज का है, तो ये प्रेस्टीज का कुकर है 5 लीटर का, और इसमें मैं कंटेनर रखती हूँ एक्चुअली। रुको आपको दिखाती हूँ, इसमें ना मैं ये वाले कंटेनर रखती हूँ, ये एक्चुअली ये वाला कंटेनर ना थोड़ा सा ख़राब भी हो चुका है, तो इसी वजह से मैंने ये से ये लगाया था, तो ये 2 कंटेनर रखती हूँ मैं इसमें। और ज़्यादा के लिए मतलब अगर मुझे चावल और दाल मुझे एक साथ बनाने हो, तो मैं इसमें दाल रखती हूँ और इसमें चावल रखती हूँ, तो ये 2 कंटेनर हैं, तो इस दो कंटेनर में बनाती हूँ मैं। और अगर मुझे अलग अलग बनाना हो, तो मैंने आपके साथ शेयर किया था ये वाला कुकर, तो ये है अग्यारो से, तो ये है 11 का राइस कुकर, मैंने आपके साथ शेयर भी किया था इसका रिव्यू, आपके साथ शेयर किया था मैंने, तो उस टाइम मैंने इसमें रेसिपी बना के भी दिखाई थी आपको, बिरयानी वगैरह सिंपल चावल भी बना के दिखाए थे इसमें। तो इसमें मैं प्लेन राइस बनाती हूँ,
मतलब अगर मुझे ज्यादा क्वांटिटी में बनाना हो तो मैं इसमें राइस बनाती हूँ, और जो दाल होती है वो छोटे कुकर में बनाती हूँ, ये वाला जिसमें मैंने अभी चना बॉईल किया था, तो ये वाले कुकर में बनाती हूँ। तो ये भी आई थिंक प्रेस्टीज का नहीं, सनफ्लेम का है ये। तो ये कुकर है और ये कुकर है, एक्चुअली मेरे पास तीन कुकर है, इस तरह का ही एक और कुकर है, आई थिंक वो धोने के लिए है, तो इस वजह से मैं आपको दिखा नहीं पाऊंगी। वो है फ्यूचरा का, वो जो नहीं आता है ऊपर वाली सीटी वाला, तो वो है, तो वो 3 लीटर का है, ये 5 लीटर का है और ये 2 लीटर का है, तो ऐसे मिला के मेरे पास 3 कुकर है। और ये है राइस कुकर 11 का, तो वो है। तो एक्चुअली मैंने इसलिए दिखा दिया आपको कि और दोबारा वो व्लॉग देखेंगे और मुझसे और बोलेंगे कि आपने दिखाया नहीं दीदी करके, तो इस वजह से मैंने इस बार दिखा दिया आपको। तो चलिए अभी चना मसाला तो पक रहा है, मतलब पक में बॉईल तो हो चुके थे चने, तो थोड़ा सा मैं इसको उबाल ले लूँगी और हम लोग लंच करेंगे। और हाँ, मैंने आज रेड पहना है क्योंकि आज है वैलेंटाइंस डे, और हैप्पी वैलेंटाइंस डे टू ऑल ऑफ यू। और हाँ, कुछ सेलिब्रेट वगैरह तो कुछ करते नहीं है हम लोग, फिर भी थोड़ा सा फीलिंग तो आनी चाहिए कि आज वैलेंटाइंस डे है, तो इसी वजह से मैंने आज रेड पहन लिया है। ये तो मैं बहुत बार पहन चुकी हूँ, मतलब कोई स्पेशल नहीं है या कोई ऐसे स्पेशल वो नहीं है, मतलब ड्रेस नहीं है, ये एक शर्ट है, तो ये मुझे काफ़ी ज़्यादा पसंद है, मतलब फिटिंग काफ़ी अच्छी है इसकी, ये वाली शर्ट की, तो इसी वजह से ये वाला शर्ट मैं काफ़ी बार पहनती हूँ, तो ये आपने बहुत बार देखा भी है, बट आज रेड पहनना था तो मैंने पहन लिया। तो चलिए कोई बात नहीं, अभी अगर मैं अच्छे से तैयार होती, रेड पहनती और कुकिंग करती तो अच्छा भी नहीं लगता, तो इसी वजह से मैंने ये पहला पहन लिया। मैसेज भी आ गया देखो, ये दिया है वामन हरिपेट ज्वेलर्स से हमने लिया है, और अभी ये लेके गए थे मुझे, मुझे लगा भी नहीं था ये मुझे मेरे लिए, इधर तो आओ यार, इधर आओ, मतलब इतना अच्छा गिफ्ट दिया है। तो अभी हल्दी प्रॉमिस डे में प्रॉमिस किया था इन्होंने, कल प्रॉमिस नहीं, किस डे पे प्रॉमिस किया था इन्होंने, तो मुझे ना दिया है इन्होंने ये वाला। एक्चुअली मुझे कब से चाहिए था ये हैंड मंगलसूत्र, बैठो इधर आओ, इधर इधर दिख, इधर आप दिखने चाहिए। अच्छा ठीक, एक्चुअली ना ये मुझे हैंड मंगलसूत्र कब से चाहिए था, तो इनको मैंने एक दिन ऐसे ही बैठे बैठे डिजाइन सर्च कर रही थी मैं, तो एक डिजाइन मैंने इनको सेंड की थी, एक्चुअली सेंड की थी इन्होंने, तो इन्होंने बनाने के लिए डाल भी दिया था ये वाला मंगलसूत्र, हैंड मंगलसूत्र, और मैंने ऐसे डिजाइन सेंड की थी कि ये वाला मंगलसूत्र चाहिए, मतलब 2-3 महीने हो गए होंगे ना, 2-3 महीने पहले, तो इन्होंने ये वाला मंगलसूत्र डाल भी दिया था बनाने के लिए, और ये आज, मतलब मुझे बताया भी नहीं और ये आज मिल गया है, तो आप देख सकते हो अभी यही पहनाएंगे मुझे, और इसकी डिजाइन मैं आपको डिटेल में दिखाती हूँ। ये जो वामन हरिपेट ज्वेलर्स है, ये यहाँ के मतलब फेमस ज्वेलर्स है, तो इनसे लिया है हमने, और ये मुझे अभी दोपहर में लेके गए थे वहां पर, चलो चलो कुछ गिफ्ट लेना है करके, तो मुझे पता नहीं था एक्चुअली ये वाला देने वाले है करके ये, तो थैंक यू। तो मुझे मतलब इतनी ज्यादा, और हाँ आज रेड रेड पहना है हम दोनों ने भी, तो वैसे हम लोग वैलेंटाइन डे वगैरह नहीं मनाते हैं इतना, बट गिफ्ट वगैरह तो चलता है यार, गिफ्ट गिफ्ट तो मतलब गिफ्ट हर डे भी दिए आपने, गिफ्ट तो चलेगा मुझे, ऐसा कुछ नहीं है, और वो भी गोल्ड में हो तो और भी ज्यादा, वैसे मुझे गोल्ड का इतना ज्यादा शौक नहीं है, बट फिर भी होता है कुछ चीजें गोल्ड में ही चाहिए होती है, जैसे मंगलसूत्र हो या गले का मंगलसूत्र हो, हैंड मंगलसूत्र हो, ये तो हम लोग आर्टिफिशियल नहीं पहन सकते हैं, ये तो गोल्ड में ही चाहिए होगा। और मेरे पास छोटे छोटे इयररिंग्स भी बहुत, मतलब 2-3 जोड़ी है, बट मैं पहनती नहीं हूँ ये, आर्टिफिशियली पहनती हूँ ऐसे, तो ये वाला देखिए मंगलसूत्र आपको दिखाते हो पूरा, कैसे दिखेगा ये यार इसमें, हाँ देखिए इस तरह से इसकी डिजाइन है पूरी, और यहाँ पर ना नीचे लटकन है इस तरह से ब्लैक कलर का, अगर आप ब्लैक कलर का हाथों में पहनते हो तो मेरी मम्मी बोल रही थी कि नजर लग जाती है जल्दी, तो इससे मुझे नजर भी नहीं लगेगी, अब ये नजर रक्षा कवच भी हो गया है मेरा, है ना।
मम्मी मुझे बोलते रहते हैं हमेशा कि आपको नजर लगती है, जल्दी नजर लगती है, जल्दी नजर नजर लगती है। नजर तो मुझे मतलब नजर लगने की तो मुझे बीमारी है ऐसे लगता है। तो ये वाला दिया है मंगलसूत्र, हैंड मंगलसूत्र, अभी पहना दो आप, तो यही पहनाएंगे और बहुत सुंदर है। मतलब आन इकड़े नहीं, तुम ही इकड़े यार, आन इकड़े कैमरा क्लोज नहीं, करना मुझे लगता नहीं है। हाँ ना ऊपर चलो, ऊपर आओ ना यार, कैमरा क्लोज करो बोल रही है, तब ये पहनाएंगे मुझे। मैं कितनी ज्यादा एक्साइटेड हूँ, इधर आओ इधर आओ। गले में भी कितना, 12 साल 13 साल पहले 12-13 साल 2007 2007 में पहनाया था गले में, अब ये कितना, कौन सा चल रहा है, 2020 ट्वेंटी ट्वेंटी में में आया हाथ में ना, पहनाया है। ओ वाओ कितना सुंदर लग रहा है। चेंज ही बटते मतलब ऐसे बटते थे हाँ काम बटते ब्रेसलेट टाइप है, ब्रेसलेट ही है ये, हैंड मंगलसूत्र मीन्स नाम हैंड सेफ दे ब्रेसलेट। मंगलसूत्र का दिया है लेकिन हाथ में कुछ पहनना चाहिए इस हिसाब से उसका नाम वो रख दिया। हाँ वो रख दिया। और थैंक यू तो बोलने दो यार, सुबह सुबह थैंक पता थैंक यू। देखो अच्छा सुबह सुबह आए, देखो देखो फूल टूट भी गया है यार। सुबह सुबह आए मेरे पास और मैं सोई थी, मतलब मैं शूट करने के वो भी इसमें नहीं थी, मूड में भी नहीं थी, मैं सोई थी और ये वाला फूल लेके आए, हैप्पी वैलेंटाइन डे करके। मैंने बोला बाप रे सुधर गई ये तो, और हैप्पी वैलेंटाइन डे विश करे। और पता है रात को उठ के भी हैप्पी वैलेंटाइन डे विश किया, रात को 12:30 बजे उठे होंगे, 12:15 बजे, सवा बारह सवा बजे भी हैप्पी वैलेंटाइंस डे विश किया। और फिर मैंने बोला हाँ ठीक है, मैंने रिएक्ट ऐसे किया, इस पे गुलाब पे ना थोड़ा सा वो था, पानी था, तो ये ऐसे मेरे मुंह पे छिड़क रहा है ऐसे ऐसे करके, तो मैंने रिएक्ट ऐसे किया, अच्छा हाँ हैप्पी वैलेंटाइंस डे, ओके सेम टू यू, बस ऐसे करे करके और सो गई मैं थोड़ी देर। तो वैसे भी तबीयत थोड़ी सी ठीक नहीं थी, और सुबह उठने के बाद तो थोड़ा सा वो लगता ही है, उसके बाद थोड़ी देर और सो गए। फिर ये देखो गुलाब के फूल की पूरा सत्यानाश, अद्विक ने किया होगा ये, और अद्विक ने किया होगा ये पूरा, तो यहाँ पर ही रखा था मैंने। ये इसलिए है कि बीबी को अगर खुश करना है, हर अपने हस्बैंड अगर हस्बैंड बीबी को खुश हस्बैंड के करना लिए है टिप्स दे रहे तो हैं। ये टिप्स है। अगर हर बीबी को अगर ऐसा गिफ्ट मिले तो आप मतलब घर में आपके शांति बनाए रखने का ये मेन तरीका है। देना ही चाहिए यार बीबी को गिफ्ट, हस्बैंड के ऊपर तो हक होता है, हाँ हस्बैंड को ही देना चाहिए गिफ्ट। तो मैंने कुछ नहीं लाया इनके लिए, एक रोज भी नहीं दिया एक्चुअली, मैंने एक्सपेक्ट मैं इनसे ही कर रही थी। उस दिन रोज डे के दिन मेरे यहाँ पे 2 रोजेस आए हुए थे वहाँ पौधे को, बट इन्होंने, मैं वेट ही कर रही हूँ यार देंगे आएंगे मुझे देंगे ये रोज, बट नहीं, बाहर से तो रोज खरीद के लाया ही नहीं, बट घर का भी नहीं निकाला। फिर माही को मैंने बाद में बोला, माही देखो आज पापा रोज मतलब घर पे 2 रोज है बट रोज नहीं दिया पापा ने, तो ये वेट कर रहे थे एक्चुअली बड़ा सरप्राइज देने का, तो इसी वजह से वो होता के है। लिए चॉकलेट लेके आओ, हाँ ठीक है चॉकलेट लेके आओ, अद्विक के लिए चॉकलेट लेने जा रहे हो, तो चलिए मैं थोड़ी देर के बाद मिलती हूँ आपसे। तो मैं बहुत ज्यादा खुश हूँ इससे, और आप लोगों को कैसा लगा ये वाला मंगलसूत्र, मेरा हैंड मंगलसूत्र आप जरूर बताइएगा, डिजाइन भी बहुत ज्यादा अच्छी है एक्चुअली, मैंने जो सिलेक्ट की थी वही डिजाइन इन्होंने बनाने के लिए डाल दी थी, तो बहुत ज्यादा सुंदर है यार, मतलब मेरा ड्रीम पूरा हो गया, मतलब जो मुझे डिजाइन चाहिए थी वही मिल गई। और मैंने ऐसे ही रैंडमली एक डिजाइन सिलेक्ट करके इनको सेंड कर दी थी, मतलब उस टाइम ऐसे मुझे लगा भी नहीं था कि ये मुझे देंगे करके, मैंने ऐसे सेंड कर दी थी कि मेरा मन है ऐसे बनवाने का, तो ये बोले ठीक है, इतना मतलब नॉर्मली रिएक्ट किया था इन्होंने, हाँ ठीक है तो बनवा दूंगा बोले, तो मुझे नहीं पता था कि ये इस दिन का वेट कर रहा है करके। चलो कोई बात नहीं, मिल गया मुझे, और फाइनली मैं बहुत ज़्यादा खुश हूँ इस वाले गिफ्ट से, मतलब स्पेशली इस वाले गिफ्ट से, क्योंकि मंगलसूत्र जो है मतलब हम लोग वेस्टर्न वगैरह पहनते हैं तो उस पे मंगलसूत्र तो चाहिए ही होता है, बट ये वाला मंगलसूत्र हम लोग बहुत अच्छे से फैशनेबल भी लगेगा और मंगलसूत्र का भी काम करेगा, और हमारे पास भी हमारे मतलब जो रिश्ते की निशानी भी होती है, तो इसमें मुझे एस डलवाना था बाद में। फिर इनको मैंने सेम टू ये वाला डिजाइन किया था, फिर लगा कि अरे यार इसमें यस डलवा देते तो अच्छा रहता, फिर उनको बोला मैंने कि यहाँ से ये निकाल के फिर यस डलवा मतलब डलवाना है मुझे, तो वो बोल रहे थे कस्टमाइज करने के लिए 7 से 8 दिन लगेंगे, और आप वेट कर सकते हो तो आप वेट कर लीजिए, नहीं तो फिर बाद में अगर आपको बाद में करवाना है तो आप बाद में भी करवा सकते हो, तो मैंने बोला नहीं मुझे वेट नहीं करना है मुझे आज ही चाहिए, तो इसी वजह से मैंने ये ले लिया, बाद में मैं इसमें यस डाल सकती हूँ।
क्योंकि इनके नाम का यस आता है इसी वजह से। तो चलिए फिर अभी थोड़ी देर के बाद मिलती हूँ आपसे, बहुत सारी बातें हो गई, काफी देर से बातें कर रही हूँ मैं आपसे। ठीक है बाहर शू काटूंगी ना पिल्लू। अरे बाप रे थकला अद्वी, थक गए आप? अद्वी हाँ डाल दो, अद्वी खेल खेल के थक गए क्या अद्वी? हम लोग कहाँ गए थे? मिट्टी खेल के। कहाँ से आए मिट्टी खेल के? खिली में। अद्वी कहाँ पर थी मिट्टी? कहाँ पे मिट्टी थी? घर पे मिट्टी थी। खेली वहाँ पे आपने? अच्छा तो चलो पानी पीना हो गया ना, शू पहन के अंदर नहीं आना कभी, यहाँ पे किचन में नहीं आना इसके बाद, ठीक है पिल्लू? चलो जाओ, गुड बॉय। ओ डकार। अहो चहा घिसल, चाय पियोगी ना? थोड़ा सा ठीक है, चाय बनाती हूँ। क्या कर रहा है अद्विक यहाँ पे? आजकल तो बहुत भाव खा रहा है ये। मम्मा कल हॉलिडे है क्या? हॉलिडे का आएगा? है क्या पूछ रही आपसे? नहीं किस लिए हॉलिडे? इसको तो छुट्टी चाहिए यार। अरे 5 दिन का हफ्ता है ना अभी। 5 दिन का कैसे? पापा ने बताया था शिकाना को भी छुट्टी है ना अभी। नहीं मम्मा सैटरडे संडे तो कल का सैटरडे है ना मम्मा। तो हाँ सैटरडे और संडे को शिकाना को छुट्टी है, पापा ने बोला था। अभी ना 5 दिन का ही हफ्ता रहने वाला है। 5 दिन का हफ्ता नहीं रहने वाला है, जिनको सैटरडे संडे छुट्टी होती है उनके लिए, जिनको छुट्टी नहीं मिलती आपके पापा जैसी उनके लिए तो संडे भी सेम और सैटरडे भी सेम। अच्छा ये फ्रेंड का किचन नहीं है, ये अद्वी लॉकेट है। लॉकेट। तो चलिए फिर इस व्लॉग को यही पे एंड करती हूँ गाइस, और आई होप आपको ये शुरू नहीं करना। तो इस व्लॉग को यही पे एंड करती हूँ, आई होप छोटा सा व्लॉग आपको पसंद आया होगा। मोटा सा व्लॉग आपको पसंद आया होगा। अगर पसंद आया तो प्लीज वीडियो को लाइक शेयर एंड चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना अगर आपने नहीं किया है तो। और आप चाहो तो मेरे दूसरे चैनल को भी सब्सक्राइब कर सकते हो, उस पर मैं प्रोडक्ट के रिव्यूज, ब्यूटी रिलेटेड टिप्स वीडियोस, हॉल वीडियोस, मेकअप वीडियोस इस तरह से डालती रहती हूँ। हाँ छोटा सा। और आप में से कोई अगर मराठी मुझे देख रहे हैं तो मेरा एक मराठी व्लॉग चैनल भी है, तो आप चाहो तो मुझे वहाँ पर भी सब्सक्राइब कर सकते हो। छोटा मंडला। हाँ छोटा तो। और आप चाहो तो मुझे इंस्टा पे भी फॉलो कर सकते हो, इंस्टा का लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। प्लस दोनों चैनल का लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। तो चलिए फिर टिल देन बाय बाय, टेक केयर एंड लव यू ऑल बोल दो। लव यू ऑल। हाँ दीदी देऊन देशील थोड़ा वेळासाठी। तो चलिए बाय बाय, लव यू, टेक केयर, लव यू, टेक केयर एंड लव यू ऑल, टेक केयर एंड लव यू ऑल। अशा करा फ्लाइंग किस दे।
टेक केयर, लव यू ऑल, बाय।